हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। और करते हैं आज का व्लॉग स्टार्ट। घर पे तो कोई नहीं है, सब उस वाले घर गए हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे। मैं कीर्ति को लेने जा रहा हूँ उसके स्कूल, उसकी छुट्टी हो गई है। ये चलते हैं कीर्ति को लेने। ये हमारे गांव का हायर सेकेंडरी स्कूल है। तो इसके आगे कीर्ति का स्कूल है, थोड़ी दूर वो आ रही सामने। कीर्ति आज छुट्टी जल्दी हो गई थी। एक कीर्ति आ रही सामने से। बोल रही पैदल आऊंगी। ला जल्दी बैठ, जल्दी बैठ जा, जल्दी जल्दी। कीर्ति को तो लेकर आ गया हूँ मैं। कीर्ति, कीर्ति आज नाराज हो गई है। कीर्ति और हम दोनों अब निकल रहे हैं खेत पर, जहां पर बुआई करी थी लास्ट टाइम पे। वहां पर उनको कुछ नट चाहिए, वो देने जा रहे हैं। ये कीर्ति है, मान गई है, गुस्सा हो। ठीक है दोस्तों, हम खेत पर तो आ गए हैं। इस पर लास्ट टाइम हमने बुआई करी थी, इसमें पानी चल रहा है इस वाले खेत में। भैया पानी फेर रहे हैं वो। कीर्ति आज क्या है, गुस्सा हो गई थी थोड़ी, तो वो उसको पेटिस खिलाना पड़ेगा तब जाके मानेगी वो। ऐसे बोल दिया उसको पेटिस की। कीर्ति हम तो निकल रहे घर, कीर्ति को पेटिस खिलाना है। क्या कीर्ति, सामने होटल पे जाएंगे, होटल पे से पेटिस लेंगे कीर्ति के लिए। थ्री रेस्टोरेंट है, यहाँ से हम पेटिस लेंगे। तो अपन तो ये पेंगे फीस। कीर्ति ने समोसा लिया है, समोसा चटनी, और मैं पीऊंगा फीस। कोल्ड ड्रिंक पिएगी अभी। ठीक है, कीर्ति ने तो कर लिया नाश्ता, अब निकलते हैं हम। कोल्ड ड्रिंक पी रही होगी। घर तो आ गए हैं हम खेत पर से। गलत बोल दिया, इसके लिए सॉरी। ठीक है फ्रेंड्स, हम दादी जी और कीर्ति हम निकल रहे हैं खेत पर, जहाँ फर्स्ट बुआई करी थी हमने। चलो वहाँ का सीन बताता हूँ मैं आपको चलकर। हम जा रहे हैं तीनों चाय देने के लिए, और दादी जी आलू लगाएगी वहाँ पर। ये देखो हमारे दादी जी का चश्मा ऐसा है, जब चश्मा पहनती है अब ऐसी लगती हो। आ गए हम खेत पर। चाचा के लिए चाय लेकर आए थे, चाय पी रहे हैं। हाय कर दो। इस वाले खेत में हमने कण फेंका हुआ है, और इसमें गेहूं और मटर है। ये इस वाले खेत में हमने लहसुन बोई थी, जो लहसुन निकल चुकी है बाहर अच्छी। और इस वाले खेत में गेहूं है। चलो दादी जी के पास चलते हैं, पर आलू लगाते हैं, इसे जगह छूट जाती है तो पाल पर आलू लगा देते हैं। अबे लग तो कैसी अच्छी लहसुन अपने यार। इतनी बढ़िया है। ये से आलू को काट कर लगाते हैं।
इसमें तो दादी लगा रही है आलू, और ये जो यहाँ पर जमीन है हमारी 50% जमीन तो यहाँ पर है और 50% जमीन तीनों एरिया में उधर उस साइड है। यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है इसलिए यहाँ पर फसल भी अच्छी होती है। यहाँ की मिट्टी भी काफ़ी गहरी मिट्टी है, काली मिट्टी है इधर मालवा क्षेत्र में। हमारा इस कुआं से पानी सप्लाई होता है सब दूर पूरी ज़मीन में। इसमें हम प्याज बोएंगे जो ये रह गया है, इसके साइड वाले आगे वाले खेत में गेहूं बोए हैं, और ये इसमें भी हम प्याज ही बोएंगे साइड में। इस कुआं से पानी सप्लाई होता है पूरी ज़मीन में। दो मोटर से पानी सप्लाई होता है और एक होल सामने लगा है, एक होल से भी होता है। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। ये आम के पेड़ जो दिख रहे हैं ये सब दादाजी ने लगाए थे। इस वाले खेत में पानी चल रहा है। इस वाले में हमने सब्जी बोई है, गाजर, मूली, इसमें गाजर, टमाटर, मूली और मटर वटर सब इस वाली ये 4-5 पाली हम बोए हैं हमने, ताकि हमारे घर का काम हो जाए। और ये इधर तुअर है और ये नींबू का पेड़ है साइड में, और ये स्टोर रूम है हमारा यहाँ का, इसमें कुछ भी जो सामान रहता है वो डाल देते हैं इस वाले रूम में। पार्टी भी हम यहीं पे करते हैं। क्या कहते हैं, पार्टी यहीं करते हैं। ये देखो पार्टी के लिए वो चूल्हा इधर साइड में है, खूबसूरत लगता है इधर भी। ये आम के पेड़ है। ठीक है, हमने चाचा को चाय वाय दे दी है। ठीक है, चाचा को चाय दे दी, अब हम निकलते हैं घर। दादी ने आलू भी लगा दिया है। लो कीर्ति, अब हम जाएंगे घर। और दादा को छोड़ के। पीछे गाड़ी। चाचा पानी फेर रहे हैं भाई। और हम घर जाएंगे। वो चाचा वहाँ पर है, चाचा पानी फेर रहे हैं पे। वो तो शाम को आएंगे, जब तक लाइट चलेगी जब तक रहेंगे ऊपर। फिर पकड़ो मोबाइल। ठीक है, ठीक है, जल्दी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप? ये हमारे खेत के साइड में ही खेड़ा पाते सरकार का मंदिर है। ये तो आ गए हैं हम चलते हैं अंदर। और अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहे हैं अभी। ठीक है, मैं नहा धो लेता हूँ और कपड़े वपड़े चेंज कर रेडी। और ये साइड में मेरा बेड है, यहीं पर मैं एडिटिंग करता हूँ, इस पर बैठ कर। मुझे सुबह के 2 या 3 बज जाते हैं। रोहित बेद जी के पास चलते हैं गाइस, उन्होंने फ़ोन लगाया है, उनकी दुकान पे चलते हैं। ये मेरे घर के बाहर का रास्ता है। ये हमारे रोहित बेद जी की दुकान पर आ गए हैं हम। और यहाँ पर हमारे घर में भैया भी है, स्वागत चाय से स्वागत किया है मेरा। ये हमारे घर में भैया है और ये रोहित भैया, आपने देखा होगा इनको तो। अब हम मनोज भाई के यहाँ फुल्की खाने जा रहे हैं। चलो भैया, फुल्की खाना। साइड में ही है मनोज भैया का हटेला। मनोज सर फुल्की खिला दो। ये हमारे मनोज भैया का फुल्की का स्टॉल है। मेरे को भेजते रहे नहीं सर। ये मनोज भैया आज फुल्की खिलाएंगे हमें। ये पीतम सर भी आए हमारे और हमारे विशाल भाई भी आए फुल्की खाने के लिए। और दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। ये लो सर, हम ला रहे हैं।